अगर हमने लेने हो तो बहुत डिफरेंट पर्पस होते हैं, एस्ट्रोनॉमी, बर्डिंग, साइट सीइंग, बुश वॉकिंग. तो आपको पर्पस अपना देखना है, बजट देखना है. नमस्कार दोस्तों, इंडिया बायनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है. आज हमारे पास कुछ नए बायनोकुलर्स हैं जिसका वीडियो काफी टाइम बाद आप बना रहे हैं. तो बायनोकुलर्स अगर हमने लेने हो तो बहुत डिफरेंट पर्पस होते हैं, एस्ट्रोनॉमी, बर्डिंग, साइट सीइंग, बुश वॉकिंग. तो आपको पर्पस अपना देखना है, बजट देखना है. आप ऑप्टिक्स की क्वालिटी अगर चाहते हैं तो पैसे देने पड़ेंगे. अगर फीचर्स रिच बायनोकुलर आप चाहते हैं या अच्छा ब्रांड चाहते हैं तो उसी हिसाब से उसका रेट होगा. बाइनोकुलर्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत मैटर करती है, चाहे वो ब्रांडेड हो या चाहे वो नॉन ब्रांडेड हो, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छे हैं तो वो लास्ट करते हैं. तो आज हमारे पास जो चार बाइनोकुलर्स हैं उन पर नजर डालते हैं. सबसे पहले जो ब्रांड्स हैं हमारे पास जो हमने सिलेक्ट किए हैं, आप देख रहे हैं प्रैक्टिका, ये यूके की कंपनी है. और फिर कोनस कंपनी, उसका भी बाइनोकुलर है. और स्काईलाइन जो बार एंड स्ट्राउड का एक मॉडल है, बार एंड स्ट्राउड भी यूके की है. तो कोनस आपकी इटली की कंपनी है, प्रैक्टिका यूके की है और बार एंड स्ट्राउड भी यूके की कंपनी है. सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये बायनोकुलर जो है कोनस का 10x50 इस तरीके से आता है. आप देख रहे हैं मिलिट्री कलर में, ग्रीनिश. इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसके जो प्रिज्म है वो मल्टी कोटेड है. अगर आप कोटिंग्स देखें, दूसरी बात इसका आई रिलीफ बहुत अच्छा है. तो जो लोग स्पेक्स लगाते हैं उनको आई रिलीफ के लिए इसको ट्विस्ट डाउन करके देखना होता है, और जो नहीं लगाते हैं उनको अप करके और आंखों से सटा के, और फिर जितना आपने फोल्ड करना है अपने आईज के हिसाब से, और फिर यहाँ से फोकस करना है. जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटाएंगे यहाँ से फोकस करना जरूरी है, नहीं तो पिक्चर ब्लरी रहती है. 10 कैप साथ में लगे हैं तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं कि खो जाएंगे. तो आई रिलीफ अच्छा है, प्रिज्म मल्टी कोटेड है, बैक फोर है, एक अच्छी ग्रिप बनती है, अच्छी रबराइज्ड ग्रिप है इसमें. और बाकी चीजें इसमें साथ में क्या है, ये इस तरह से बैग है. ये बैग की जो क्वालिटी है वो सेम सेलेस्ट्रॉन अपक्लोज जैसी है, स्ट्रैप भी अपक्लोज जैसा है, लेकिन बायनोकुलर अच्छा है. मैंने इससे देखा था, एच टू एच शार्पनेस है और पिक्चर क्वालिटी काफी क्लियर है क्योंकि इसमें बैक फोर प्रिज्म है. एरिया ये कितना दिखाता है वो एक नजर मार लेते हैं. कम से कम 8-10 मीटर से पहले ये फोकस नहीं करेगा, 8-10 मीटर के बाद ही फोकस करेगा. एरिया की बात करें तो ये कम से कम 105-108 मीटर के आसपास 1000 मीटर पे आपको दिखाता है. आगे चले तो प्रैक्टिका का 1250 हमारे पास है और 1050 दो है. दोनों की बिल्ड क्वालिटी जहां तक मुझे सेलेस्ट्रॉन से याद है काफी अच्छी मजबूत लगी. तो ये फॉल अगर होता है तो उसको ये सह सकते हैं. वजन भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब 700 से 800 ग्राम के बीच में है. कोटिंग्स पे नजर मार लेते हैं. कोटिंग्स मल्टी कोटेड नहीं है लेकिन फुली कोटेड है. और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जब मैंने इसे देखा बाहर तो काफी शार्प थी. अभी यहाँ पे क्योंकि दिल्ली में क्लाउडेड है तो जब क्लाउड हट जाते हैं, धूप निकल आती है तो पिक्चर और शार्प हो जाती है. जब थोड़े क्लाउड होते हैं पिक्चर तब भी शार्प रहती है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा रहता है, वो अंडरस्टूड है. तो बनावट बहुत अच्छी है, एच टू एच शार्पनेस है. 1250 जो है वो थोड़ी सी पावर ज्यादा देता है, तो जिनको थोड़ी सी पावर का ज्यादा शौक है वो ये ले सकते हैं. नहीं तो मैं 10x50 के भी फेवर में हूँ क्योंकि ये एरिया वाइडर दिखाता है 1250 के मुकाबले. पास थोड़ा सा कम दिखाएगा 1250 के मुकाबले, लेकिन वाइडर दिखाएगा. मिनिमम 8-10 मीटर का ये फोकस करेंगे. और कितना कितना ये दिखाते हैं, ये करीब 92 मीटर दिखाता है 12x50. और 10x50 डेफिनेटली ज्यादा एरिया दिखाएगा. अगर 1000 मीटर का एरिया आप देखते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा दिखाता है ज्यादा, 112 के आसपास ये दिखाता है. स्ट्रैप इसमें कंपनी ने अच्छा दिया, प्रैक्टिका कंपनी ने, काफी चौड़ा स्ट्रैप है, पैडिंग वाला है. तो स्ट्रैप की क्वालिटी कोनस से बेटर है. इसके जो बैग्स हैं वो एवरेज से बेटर है, इससे इनफैक्ट बेटर है. जो प्रिज्म्स की क्वालिटी की बात करें तो ये BK7 प्रिज्म इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर अच्छी नहीं बनती. पिक्चर काफी शार्प है, एच टू एच क्लैरिटी है,
लेकिन थोड़ी सी ज्यादा इमेज ब्राइट इसके अंदर है, हालांकि इसमें भी बहुत अच्छी शार्प और ब्राइट इमेज है। फोर्थ में आए तो हमारे पास बार एंड स्ट्राउड जो यूके की कंपनी है, ये रूफ प्रिज्म डिजाइन में हम बाइनोकुलर देख रहे हैं। इसको देख के बिल्कुल मुझे आउटलैंड की याद आ गई, सेलेस्टन आउटलैंड, और ये वाटरप्रूफ में और मल्टी कोटेड लेंसेज है। इसमें एरिया सबसे बेस्ट है, हालांकि ये 8x42 है तो आपको एक बार लगेगा कि 8x पावर है और 42mm लेंस का साइज थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये 50mm के लेंस है अगर आप कंपेयर करें, लेकिन ये एरिया ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू इसका बहुत अच्छा है। इसका एग्जिट व्यूबल भी अच्छा है, 42 / 8 5.4, और मल्टी कोटेड लेंसेज हैं, बैक फोर है, वाटरप्रूफ बॉडी में है, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल आउटलैंड जैसा है, और इसका आई रिलीफ भी अच्छा है, करीब 16 के आसपास हाइड्रोजन फर्श है, तो वाटरप्रूफ बाइनोकुलर है, मल्टी कोटेड बैक फोर और रूफ प्रिज्म में है, और इस तरीके से बैग में आता है। ये बैग की क्वालिटी काफी अच्छी है, जैसे एक प्रीमियम ब्रांड की होती है, एक अच्छा ब्रांड है ये यूके का, एक छोटे से बॉक्स में इस तरह से आता है, और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, अंदर मेटल हाउसिंग है, ऊपर रबराइज्ड वो है, ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, फोकसिंग काफी स्मूथ है इसकी, नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस का करीब 4 मीटर है, लेकिन 1000 मीटर पे आप देखते हैं तो 119 मीटर का एरिया ये कवर करता है। इसके ऊपर जाए तो ये मैंने निकाल के नहीं रखा, सिर्फ बताने के लिए रखा है कि ये जूम वाला बाइनोकुलर अब आ गया है स्टॉक में, 10 से 30x इसकी पावर है, इस तरह से करीब इसकी फोटो है, कोनस का है, तो जिनको पावर थोड़ी ज्यादा चाहिए सर्वेलेंस फील्ड में या दूसरी चीजों में, पास से ज्यादा ऑब्जर्व करना चाहते हो, खासकर जो भाई लोग हिल्स में हैं, तो उनके लिए 10-13-60 एक रीजनेबल बजट में आपको मिलता है। तो ये सारे बाइनोकुलर्स indiabinocularshop.com पे आपको मिल जाएंगे, इनके फीचर्स भी मिल जाएंगे, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी डिफरेंट बाइनोकुलर्स, स्पॉटिंग स्कोप्स और टेलीस्कोप्स आपको मिलते हैं indiabinocularshop.com पे, नीचे लिखे हुए हमारे नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।